अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लेगार्दा केक टाउन, जिसे बोलते हैं किस्केरे दिल गार्दा। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अराउंड लेगार्दा टाउन्स की जो है ना व्लॉग शुरू की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से 4-5 व्लॉग्स अपलोड करने से पहले ही मुझसे डिलीट हो गए थे। तो दोबारा से यहाँ व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। लेगार्दा सीरीज़ में मैंने तकरीबन 10 डिफरेंट टाउन चूज़ किए थे जहाँ पे मैंने व्लॉग्स बनाने थे। आज मौसम थोड़ा खूबसूरत है, बारिश हो रही है और किस्केरे दिल गार्दा एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। यहाँ पे आने के लिए जो है ना मैंने ट्रेन ली, किस्केरे दिल गार्दा यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है और टाउन के लिए आप 5 मिनट का पैदल वॉक है। लेक गार्दा के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, इटली की सबसे बड़ी लेक है, तकरीबन इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है और ये जो किस्केरे दिल गार्दा है ये इसका एंडिंग पॉइंट ऑफ द गार्दा लेक है। तो 3 रीजन में ये डिवाइड है। यहाँ से मैं आपको थोड़े से व्यू दिखाता हूँ एंड ऑफ द लेक गार्दा, और यहाँ से कैनाल के शेप में जो है ना पानी यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से अब मैं जाऊँगा टाउन की तरफ, बैक साइड भी दिखा देता हूँ। लेक गार्दा पे मेजॉरिटी जो टूरिस्ट आते हैं वो जर्मनी से आते हैं, इंग्लैंड साइड से आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बिल्डिंग के अंदर से होके मैं जाऊंगा और यहाँ पे कैनाल गुजर रही है और दोनों साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह। इवनिंग के टाइम यहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है और बाहर बारिश भी हो रही है। इवनिंग के टाइम यहाँ पे जो है ना बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं, लेकिन चूँकि आज बारिश भी हो रही है और थोड़ा सा अर्ली भी है, इवनिंग के टाइम होपफुली टूरिस्ट की यहाँ पे भरमार होगी, डिनर करने आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये भी एक कैनाल है लेक गार्दा से, क्योंकि एंडिंग पॉइंट है यहाँ से, जो पानी है इस किनार की शक्ल में जो है ना यहाँ से निकल रहा है। ये स्ट्रीट्स बैक में सारी टाउन स्ट्रीट्स है, यहाँ पे मार्केट्स वगैरह, लेकिन पहले मैं जाऊँगा लेक साइड पे और वापसी पे फिर जो है ना टाउन से होके मैं वापस जाऊँगा। ये पीछे आप पूरी लेक गार्दा देख सकते हैं। यहाँ पे बतख के लिए अलग सा क्रॉसिंग बना है, ये बाकायदा जो है ना लेक गार्दा से बाहर आते हैं टाउन में। किस्केरे में वॉकिंग ट्रैक दोनों साइड पे, जो सामने साइड भी आप देख रहे हैं, यहाँ अभी भी बंदा वॉक के लिए जा सकता है, बहुत बड़ी ट्रैक है। और एक ये वाली साइड है, दूसरी वाली साइड पे कुछ ख़ास देखने को है नहीं, सिर्फ वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह हैं। ये साइड थोड़ा सा खूबसूरत है तो इसलिए मैं इस साइड पर आया हूँ।
इस साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, टाउन भी इसी साइड पे है। और ये जो आगे मैं जाऊंगा अलोंग द लेक, यहाँ पे बहुत खूबसूरत घर और विला टाइप हैं। इनमें से बाकायदा बहुत से घर जर्मन लोग लेते हैं, फिर वोकेशन पे समर में यहाँ पे आते हैं। लेगार्दा की जो है ना, पहले मैंने बताया 53 किलोमीटर लेंथ है। विड्थ में आगे जब ये जो सामने डायरेक्शन आप देख रहे हैं, लेंथ में इस साइड पे लंबी है, और विड्थ जो है ना सबसे बड़ी जो विड्थ है ना वो पिस्केरे साइड पे है। यहाँ पे अगर आप माउंटेंस देख लें, बारिश हो रही है, क्लाउड्स है, वहाँ पे सही दिख नहीं रहा। और आगे जाके मैं जो है ना लेफ्ट साइड भी दिखा दूंगा। तो सबसे बड़ी जो विड्थ है ना लेगार्दा की वो इस पॉइंट पे है। इससे आगे जो ही हम आगे जाएंगे फ्रंट साइड पे, तो वहाँ पे जो है ना नैरो होती जाती है विड्थ। इस मौसम के मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया, काफ़ी दिनों से जो है ना बारिश नहीं हुई थी, लॉग्स भी पिछले सारे डिलीट हो गए थे। लेक के सामने वाले साइड पे यहाँ पे गार्दालैंड थीम पार्क भी है। बहुत सारे टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो गार्दालैंड थीम पार्क यहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ भी विज़िट करते हैं। तो बारिश भी बहुत तेज़ है, मैं इस टाइम बिल्कुल बीच साइड पे खड़ा हूँ। यहाँ से मैं फाइनल व्यू दिखाता हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं टाउन की तरफ। गार्दा लेक में आप विलेज टू विलेज क्रूज पे भी जा सकते हैं। इस टाइम एक क्रूज आ रही है पिस्केरे के साइड पे। सामने वाले बिल्कुल बारिश ज़्यादा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, माउंटेंस वगैरह। टाउन में वापस आ गया हूँ, बीच में बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, कपड़े सारे भीग गए हैं, ट्राउज़र वगैरह शूज़। तो आप यहाँ से थोड़ा सा टाउन की स्ट्रीट का विज़िट करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रेस्टोरेंट्स में लोग आएंगे, इवनिंग का टाइम हुआ जाता है, लोगों को भूख भी लगी होगी, सर्दी भी थोड़ी बहुत है। Thank you.
मुझे यहाँ से इजाज़त चाहिए होगी, थोड़ा सा बिक चुका हूँ।